ये तुम्हारा ही एक नया खेल है ताकि मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि सच का सामना तुमसे हो नहीं सकता है। क्यों आई हो तुम यहां? क्योंकि तुम नहीं आए इसलिए मैं आ गई। दरखास्त गुजार रियान असलान में डिवोर्स पेपर्स मीरान असलान बे के लिए। क्यों? इस कागज पर यकीन कर लिया? तुम्हें लगता है कि मैंने भेजा है? मैं तो तुम्हें चाहती हूं, तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले पा रही हूं मैं। अपने दिल की आवाज नहीं सुनते हो क्या तुम? तुमने सुनी थी क्या? तुमने सिर्फ अपने बाबा की बात को सुना, तो अभी जाकर उनकी बात सुनो ना। यहां क्यों आई? बाबा, बाबा ने कहा है कि तुमने उन्हें धक्का नहीं दिया था। समझ गया हूं मैं। आखिर मैं क्या करूं रियान? तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बताया होगा। ऑफ कोर्स मुझ पर यकीन क्यों करोगी? मुझसे ज्यादा तो उन पर यकीन है ना तुम्हें। मीरान, उन्होंने कहा होगा यहां आने के लिए। मीरान, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास मैं अपनी मर्जी से आई हूं। आखिर हम दोनों अलग क्यों हुए हैं रियान? क्योंकि तुमने कहा मैं और तुम हम नहीं हो सकते। तुमने मेरे दिल पर यकीन नहीं किया लेकिन तुमने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। मैं कसम खा रही हूं, कभी कह नहीं पाई लेकिन मैंने हमेशा तुम पर यकीन किया। मेरा दिल जानता था तुम ऐसा नहीं कर सकते, बस मैं बोल नहीं पाई। मुझे लगा मेरे बाबा कभी गलत नहीं हो सकते, उन्हें गलत फहमी हो गई। उन्हें कोई गलत फहमी नहीं हुई, उन्होंने झूठ कहा। अगर तुम यहां अपने बाबा के लिए आई हो, यहां तुम्हारे लिए आई हूं मीरान। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मुझे? मैं गलत थी जो मैंने तुम पे यकीन नहीं किया, मगर गलती सुधारने की इंसान कोशिश करता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है। और आगे मुस्तकबिल में क्या होगा हमारा? अगर मैंने कुछ नहीं भी किया होगा तो तुम्हारे बाबा बताएंगे कि मैंने किया है या नहीं किया। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे खेल खेल रहा था? नहीं नहीं मीरा, अब मैं अपने दिल की सुनूंगी। मैं जानती हूं तुम टूट चुके हो, तकलीफ दी है मैंने, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। डरो मत रियान, डरो मत। हाँ बताओ मुझे रियान, इसको ठीक कर सकती हो? बताओ, बोलो ना, कर सकती हो क्या? मैं भी इस गिलास की तरह टूट चुका हूं, क्या तुम इसे बना सकती हो दोबारा? और अगर इसे दोबारा तुमने जोड़ भी लिया तो क्या ये गिलास इस काबिल हो जाएगा कि हमेशा इसमें पानी पी सको तुम? क्या ऐसा मुमकिन है? जवाब दो ना मुझे रेहान। अगर ये गिलास फिर से दोबारा जुड़ भी गया तो क्या इसमें से पानी रिसना बंद हो सकेगा? कोशिश करूंगी। मैं वादा करती हूं तुमसे मीरान, तुम देखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। रेहान, कहते हैं इंसान जिस जगह पर पैदा होता है
उस जगह से बहुत प्यार करता है और जिंदगी भर उस प्यार को निभाता है वो। हम वहां से सही सलामत नहीं निकल पाए, हमारा यकीन टूट गया, हमारा प्यार अधूरा रह गया। यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ हुआ हमारे साथ, क्योंकि जहां भरोसा नहीं होता वहां उम्मीद खत्म हो जाती है। तुमने मुझे उस वक्त छोड़ा जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, अकेला छोड़ दिया मुझे। मीरान, तुम्हारा ये एक नया खेल है ताकि मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि सच का सामना तुमसे हो नहीं सकता है। दरखास्त गुजार रियान असलान बे, डिवोर्स पेपर्स मीरान असलान बे के लिए। मैं अंदर से जल रहा हूं रियान, मेरी रूह जल रही है। बहुत थक चुका हूं मैं, बहुत ज्यादा थक गया हूं मैं, बहुत ज्यादा। घर क्यों नहीं गई तुम? मीरान नहीं होगा तो रियान भी नहीं होगी, मीरान नहीं होगा तो रियान भी नहीं होगी। तुम कहते थे कि नामुमकिन है अब,
और मैंने तुमसे कहा था कि अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, स्पेशली जब कुछ बहुत ही कीमती हो। मेरे लिए तुम्हारा साथ बहुत ही कीमती है मीरान। कैसे चली जाऊं? रियान, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, बल्कि मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, मेरा इम्तिहान था वो, और इस इम्तिहान का खमियाजा मुझे पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे यह अंदाजा हो गया कि तुम मेरे साथ कैसा सलूक कर सकती हो। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम इस सबकी सजा काटो रियान। मुझसे दूर मत जाओ। मुझसे अब कभी बात नहीं करोगे तुम? बिल्कुल अजनबी बन के रहेंगे क्या हम दोनों? रियान, तुम ही चाहती थी कि हम दोनों अजनबी बन जाएं, और इस वक्त जो हमारा हाल है, हमारे इस हाल की वजह भी सिर्फ तुम ही हो रियान, समझे? सिर्फ तुम। जानती हूं मुझसे गलती हुई, मगर इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बाबा पर यकीन किया, इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे वो सब बातें कही, और अब मेरे पास एक काश के अलावा कुछ नहीं। काश के तुम्हें समझा होता, काश के उस वक्त वो सब बातें नहीं कही होती, काश के अपनी गलती सुधारने का एक मौका देते तुम मुझे। तुमने हम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया, मेरा दिल तोड़ दिया तुमने, हम दोनों को तोड़ दिया। तुम ये सब सिर्फ अपने बाबा के लिए कर रही हो, ताकि मैं उनको माफ कर दूं, अपना इंतकाम न लूं मैं, इसलिए मेरे पास आई हो तुम। हम असलान बे हवेली जा रहे हैं एक साथ, तुम देखना मीरान, सब बदल जाएगा। जो जख्म मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें अपनी मोहब्बत से भर दूंगी मैं, और वो वक्त भी आएगा जब तुम और बाबा एक दूसरे को समझेंगे। मैं लाऊंगी वो वक्त। मीरान, हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं जबकि घर तो पीछे रह गया है? मीरान, मीरान गाड़ी घुमाओ। रियान, मीरान प्लीज, मीरान गलती इंसान से ही होती है, गलती तो माफ कर सकते हो ना तुम मेरी? प्लीज एक मौका तो दे सकते हो ना हम दोनों को? प्लीज रियान, मीरान रुक जाओ, मीरान गाड़ी घुमाओ प्लीज, मुझे एक मौका दे सकते हो? रियान गाड़ी घुमाओ, रियान गाड़ी घुमाओ प्लीज, रुक जाओ प्लीज, मैं पीछे नहीं हटूंगी, गाड़ी घुमाओ तुम। चलो घर चले हम। तुम्हारा घर ये है रियान, तुम्हें कहीं और नहीं ले जा सकता मैं, ये मैं खुद के लिए नहीं तुम्हारे लिए कर रहा हूं रियान, क्योंकि इतनी कोशिश करने के बावजूद अगर मैं तुम्हारी नजर में तुम्हारे साथ खेलने वाला इंसान ऐसा नहीं है मीरान। यकीन करो मेरे बस में नहीं कि हम दोनों के लिए मैं कुछ भी कर सकूं। मैं नहीं जाऊंगी, तुम नहीं जा सकते। रियान प्लीज इसे और मुश्किल मत बनाओ, जाओ।
जाओ अपने घर रेहान। मगर ये घर, यही तुम्हारा असली घर है रेहान, जहां तुम्हें हमेशा रहना था। नहीं मीरान, मैं ये नहीं चाहती हूं। अगर तुम वाकई ऐसा नहीं चाहती तो मुझे डाइवोर्स पेपर्स क्यों भेजे तुमने रेहान? तुम्हें मेरे दस्तखत चाहिए थे ना? लो कर दिए मैंने दस्तखत। अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी ताल्लुक बाकी नहीं रहा। ये तुम क्या कह रहे हो मीरान? ये मैंने नहीं भेजे। मीरान, मीरान सुनो, मीरान ये पेपर्स मैंने नहीं भेजे हैं तुम्हें। मीरान, मीरान ऐसा नहीं करो मेरे साथ। मीरान, मीरान, काश तुमने ये सब कुछ ना किया होता। काश मेरे दिल में जितनी खुशी थी उसे तुमने एक सिग्नेचर करके खत्म ना किया होता। तुम यही चाहती थी तो कर दिया मैंने भी सिग्नेचर। तुम अपने साथ ये सब क्यों कर रही हो? तुम ये डिजर्व नहीं करती। क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूं। मैं तुमसे आखिरी बार ये पूछना चाहता हूं और तुम भी आखिरी बार ही जवाब देना, क्या तुम ये जानने के बावजूद उस घर में जाना पसंद करोगी कि तुम्हें अजीजा मार देना चाहती है? मैं मीरान की मोहब्बत में जो कुछ करना चाहती हूं मौत उसके सामने कुछ भी नहीं है आजाद भाई। आपने ऐसा क्यों किया? मीरान को डिवोर्स पेपर्स आप ही ने भेजे हैं ना अम्मी? रेहान पेपर, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? बाबा ने झूठ बोलकर हमें अलग करना चाहा और आपने पेपर्स भेज के हमें अलग ही कर दिया। हा? आपको एक बार अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया? बेटा यकीन करो मुझे इस बारे में। आपने कुछ नहीं किया, बाबा ने कुछ नहीं किया, तो फिर आज हम दोनों अलग कैसे हो गए? रेहान, रेहान सुनो बेटा, बाबा। रेहान बेटी, किस लिए? किस लिए बाबा, किस लिए? रेहान, इस बारे में कुछ नहीं पता मुझे। मैं समझा नहीं तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। किसी ने मीरान को डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए हैं। क्या, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कौन कर सकता है? अम्मी हमें अकेला छोड़ दें आप। रेहान, मुझे और तुम्हारे बाबा को इस बारे में कुछ नहीं पता। अम्मी प्लीज, बेटी तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। समझ नहीं आ रहा किस पे यकीन करूं, क्योंकि हमेशा सिर्फ आप पर ही यकीन किया था और आपने ही मेरा यकीन तोड़ दिया। आप ये कैसे कर सकते हैं बाबा, कैसे कर सकते हैं आप ये मेरे साथ? मैं जानती हूं आप अम्मी से बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन दिलशा का नाम आते ही आपकी आंखों में एक दर्द देखा है मैंने बाबा, मगर आपने तो हार मान ली है, सब कुछ सहा है। आप तो मोहब्बत को मुझसे बेहतर जानते हैं बाबा, और आप ये भी जानते हैं कि मैं मीरान से कितनी मोहब्बत करती हूँ, तो फिर आप ये कैसे कर सकते हैं अपनी बेटी के साथ? कैसे? बेटी, बेटी, जिंदगी भर आप पर यकीन किया, सिर्फ आप पर यकीन किया मैंने। क्या आपको मेरी हालत नजर नहीं आती? क्या आपने कभी मेरा दर्द महसूस नहीं किया? आप तो कहते थे कि अगर मेरी बेटी को किसी ने तकलीफ पहुंचाई तो आप उसकी जान ले लेंगे, लेकिन आपने तो मेरी ही जान ले ली। नहीं बेटी, आपने मार दिया मुझे, मेरे बाबा को और मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया। दुनिया की कोई ताकत मेरी मोहब्बत को नहीं हरा सकती है, लेकिन मैं आपसे नहीं जीत पाई बाबा। बस करो बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैंने ही तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग किया। बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे, लेकिन यकीन करो मैंने वो पेपर नहीं भिजवाए। हाँ अम्मी, मीरान का पूरा खानदान, हर शख्स हमें अलग करना चाहता है, लेकिन कोई हमसे नहीं पूछता है, कोई ये नहीं जानना चाहता कि हम दोनों के दिल में क्या है। ऐसा करते हुए जरा ख्याल नहीं आया, ये नहीं सोचा कि कैसे यकीन करूंगी मैं, हाँ कैसे यकीन कर सकूंगी मैं आप पर। अब रुक जाए आप, उस वक्त तक रुक जाए जब तक कि आपके दिए हुए जख्म भर नहीं जाते, वरना बहुत देर हो जाएगी बाबा, शायद हमेशा के लिए खो देंगे मुझे। जहरा, तुमने तो कहीं ये सब? मैं कसम खाकर कहती हूँ खिजर साहब, मैंने सब कुछ नहीं किया। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इतना तो जानते हैं। तो कौन करेगा, किसने किया होगा ये सब? जहरा, तो मीरान को डिवोर्स पेपर्स मिल गए? हाँ रियली, इस बात पे सबको मुबारकबाद हो। आप तो बहुत ही ज्यादा चालाक हैं यारिन साहिबा। आपने सिग्नेचर कितनी आराम से कॉपी कर लिया, मैं तो बहुत हैरान हूँ। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो तुम मेरे बहुत से कमालात देखोगी जो इन सब ने मेरे साथ किया है ना, उस सब का बदला लूंगी। और तुम भी ये बात याद रखना, मुझे डबल क्रॉस मत करना। देखो तो जरा इसे, मुझे धमकी दे रही है, मैं तो साथ दे रही थी इसका। खैर छोड़ो इसे, मुझे तो पैसों से मतलब है, ये लोग जो चाहे करते रहे। गद्दार औरत, उन शादुलों वालों के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हाँ ओहो रयान, तलाक हो तो तुम्हें भी दुनिया का जरा पता तो चले। आंटी, आंटी आप क्या कर रही हैं? ये सब तुमने किया? क्या किया है मैंने?
मैं जानती हूँ मीरान को डिवोर्स के पेपर्स भेजने वाली तुम हो। आप कौन से पेपर्स की बात कर रही है, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारे सामने तुम्हारी आंटी नहीं है यारी। मैं इतने सालों से तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करते आ रही हूँ, लेकिन अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर अब रेहान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम्हारी जान ले लूंगी। एक बात अच्छी तरह से जान लो, रेहान और गुल से दूर ही रहना तुम, समझी? नहीं तो कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आइंदा तुम उनसे ताल्लुक रखना ही भूल जाओगी। वानम, प्लीज मुझे माफ कर दे। आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। मेरा यकीन करें, नहीं करूंगी। गद्दार, मैं कसम खाती हूँ आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब देखना क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। गद्दारी कैसे करते हैं, इसका मजा तुम अच्छी तरह चख लो। दादी छोड़ी, क्या कर रही हैं आप? नमक हराम जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। एहसान फरामोश। खानम, इस बेचारी ने क्या कर दिया? जासूस है ये। मैं इसे इस घर में लेकर आया क्योंकि ये तुम्हारी रिश्तेदार है और हमसे ही गद्दारी। शादुलों वालों को खबरें पहुंचाती है हमारी। शहरयार, अस्मापी, मैं मजबूर थी, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। महमूद, मुझे बचा लीजिए। जी खानम। बाहर फेंक दो इसे। अजय, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूं शहरयार, लेकिन आइंदा कभी इस गली में भी नजर ना आना तुम। अगर दोबारा कभी तुम्हारा चेहरा मुझे नजर आया तो मैं कोई रहम नहीं खाऊंगी। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। अस्मा, मुझे माफ कर दीजिए। चले। मुझे जो तुमसे चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया शहरयार। अब वक्त आ गया था कि तुम्हें आजाद कर दूं, और तुमने खुद ही मुझे वो मौका दे दिया शहरयार। और जब आप भटके हुए लोगों के साथ काम करते हैं तो खुद भी भटक जाते हैं। या अल्लाह, मैं मीरान को अपनी मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाऊं? कैसे उसका भरोसा जीतूं अब मैं? मीरान, रायान, प्लीज फोन बंद मत करना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनना प्लीज, ठीक है? चाहे तुम जवाब ना दो तुम्हारी मर्जी। मेरी कॉल ना काटने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैंने जानबूझकर। एलिफ, प्लीज परेशान नहीं हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अनजाने में भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। मैं डर गई थी कि कहीं बाबा को कुछ हो ना जाए, मगर शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए फिक्र नहीं करो। शुक्रिया रेहान, तुम्हारा मुझ पर यकीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अब तुम लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हो। प्लीज़ तुम लोग बिल्कुल अलग ना हो, मैं चाहती हूँ तुम लोग खुश रहो। मेरी गलती की वजह से अलग हुए हैं, मैं ही सुधारूंगी। मुझे मीरान से गुस्से में वो सब नहीं कहना चाहिए था। तो फिर अब तुम क्या करोगी? तुमसे कुछ पूछना है मुझे एलिफ।
शुक्र है तुम आराम से आ गई। मैं बहुत डर गई थी अलिफ। बाबा और आजाद भाई यहीं से आया करते थे। कहाँ है मीरान? अपने कमरे में। रयान सुनो, जो कुछ भी हो, भाई कुछ भी कहे, तुम लोग अलग मत होना प्लीज। कभी नहीं होंगे। आओ मैं नीचे ले चलूं तुम्हें, मैं नजर रखूंगी। ठीक है। तुम्हें इतने सुकून में देख के मुझे भी सुकून मिलता है। तुम्हारी इन आंखों में हर इंसान के लिए सिर्फ शिकायत है। मैं नहीं चाहती कि इन आंखों में मेरे लिए भी शिकायत हो। अगर तुम जाग गए तो क्या अपने करीब रहने दोगे? मगर मुझ में भी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूं, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों में मेरे लिए भी सिर्फ शिकायत ही है। तुम जानते हो कि मुझे फूल कितने पसंद हैं। इसे देख के तुम्हें मेरी याद आ जाएगी।
तुम जानते हो कि ज्यादा मुश्किल क्या है। मैं बताती हूँ, क्या हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। क्या हम दोबारा कभी एक साथ हो पाएंगे? मैं जानती हूँ कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे अगर मैं तुमसे कहूँ कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं इस वक्त जब कुछ भी ठीक नहीं है तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।